गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस क्लास फोकस ऑन साइंस क्लास एट स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एट जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो सेल होता है सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तीन बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके बनता है दैट इज़ सेल मेमरी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जिसमें से हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे एज आई टोल्ड यू साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सबस्टेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल अंदर की तरफ होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्ग्नलिस प्रेजेंट होते हैं जैसे हमने पढ़ा राइबोजोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसका काम है एनर्जी सिंथेसाइज करना एनर्जी ए टी पी के फॉर्म में जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हैं अपनी बुक में माइट्रोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ये रहा और ये सिंथेसाइज करते हैं ए टी पी ऐसे ही राइबोसोम्स क्या है ये बीट लाइक स्ट्रक्चर है ये जो राउंड राउंड से आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे ये बीट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये राइबोसोम्स हैं राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं बेटा प्रोटीन यानी कि हमारे सेल के अंदर एनर्जी भी बनती है प्रोटीन भी बनती है और वो बनती है डिफरेंट सेल ऑर्गनलीज पर जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ओके नाउ टुडे वील गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट सेल ऑर्गनलीज जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं अब जो नेक्स्ट हमें सेल ऑर्गनली के बारे में पढ़ना है वो है वैक्यूल एज यू ऑल आर अवेयर विद दिस दैट इन द एनिमल सेल द साइज ऑफ़ द वैक्यूल इज स्मॉल बट इन द प्लांट सेल द साइज ऑफ़ द वैक्यूल इज लार्ज यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग वैक्यूल होता तो दोनों ही सेलों में है लेकिन अगर आप साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लांट सेल में बड़े साइज का मिलता है और एनिमल सेल में स्मॉल साइज का वैक्यूल देखा जाता है ओके वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं बेटा वैक्यूल क्या है वैक्यूल एक सेल ऑर्गनली है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल फिल्ड विथ फ्लूड फूड वेस्ट पिगमेंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस प्लांट की बात की गई है पहले क्योंकि बड़े साइज का किस्म है प्लांट में होता है तो प्लांट में सेंटर में पाए जाने वाला एक बड़े साइज का वैक्यूल मिलता है और वो वैक्यूल भरा हुआ होता है फ्लूड फूड वेस्ट पिगमेंट जितने भी सेल के वेस्ट पिगमेंट होते हैं उससे एंड अदर सब्सटेंसेस तो यानी कि जो वैक्यूल होता है वो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि एक ऐसा स्टोर हाउस जैसा है जिसके अंदर इतना सामान आपको देखने को मिलता है पॉइंट नंबर टू मैच्योर प्लांट सेल हैज़ सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड यंग सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स येस इट्स वेरी ट्रू जो मैच्योर प्लांट होते हैं बड़े साइज़ के जो प्लांट होते हैं उनके पास में एक बहुत ही बड़े साइज का वैक्यूल मिलेगा लेकिन जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके पास में छोटे छोटे साइज़ के काफ़ी सारे वैक्यूल देखे जाते हैं वैक्यूल का मेन काम होता है कि जितना भी सेल के अंदर का वेस्ट होता है उस वेस्ट को ये स्टोर कर लेता है ऑक्यूपाई करके रखता है अपने पास रखता है इसके अलावा इसमें फूड भी स्टोर होता है फ्लूड भी स्टोर होता है और कुछ और भी सब्सटेंस है जो कि स्टोर होते हैं इसी के अंदर एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल आर विदाउट एनी वैक्यूल और दे हैव अ फ्यू स्मॉल वैक्यूल प्लांट सेल कंटेन अ वेरी लार्ज वैक्यूल देखिए इन्होंने ये कहा है कि एनिमल सेल आर विदाउट एनी वैक्यूल फिर क्या लिख रहे हैं और दे हैव अ वेरी फ्यू स्मॉल वैक्यूल ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल होता ही नहीं है ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत है एनिमल सेल्स में वैक्यूल होता है लेकिन वो काफ़ी छोटे साइज का होता है क्यों क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो भी तो पूरा अपना बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं उनके अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ जाएगा जाता तो वैक्यूल के अंदर ही है तो साइज़ छोटा होता है वैक्यूल का पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में भी ओके तो ये हमने पढ़ा वैक्यूल के बारे में अनदर सेलोगनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पर मेजोरिटी में साइज वाइज प्रेजेंट होता है ये प्लांट सेल के अंदर क्योंकि प्लांट में ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनके जितना भी वेस्ट होता है प्लांट्स में देखा जाए तो ज़्यादा वेस्ट बनता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स चलिए अब नेक्स्ट सेलॉग नली पे आते हैं विच इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेलॉग नली एंड दिस सेलॉग नली इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलती है ठीक है प्लास्टिड. पी, प्लास्टिड पी से प्लास्टिड पी से प्लांट सेल एनिमल सेल में ये नहीं मिलती अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं आपने देखे होंगे बेटा जैसे आप सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों के आपने अलग अलग रंग देखे हैं है ना देखिए तोरई को देखो लौकी देखिए आप ब्रिंजल देखो लेडी फिंगर देखो तो आपको अलग अलग शेप में देखने को मिलेगा ऐसे आपने फ्लावर्स देखे होंगे फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है आपको पर्पल कलर भी दिख जाता है आपको है ना पिंक कलर दिख रहा है वाइट है कोई येल्लो है तो ऐसे कैसे होता है कोई वाइट है कोई येल्लो है कोई रेड है और लीव्स को देखो लीव्स कैसी हैं ग्रीन है तो ऐसे कैसे आपको दिख जाता है इतना अलग अलग रंग कैसे होता है पेड़ों में क्योंकि ये ही मैंने कंटेंट बताया आपको सभी पेड़ों के ही भाग हैं पेड़ों के पास में एक प्लांट सेल के पास में एक सेल ऑब्नली होती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड प्लास्टिड का, का काम होता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पार्ट्स को रंग देना कलर देता है जैसे लीफ ग्रीन है तो किसने ये रंग दिया प्लास्टिड ने दिया है ठीक है फ्लावर्स रेड हैं पिंक हैं येलो हैं क्यों हैं ऐसे रंग के किसने रंग दिया किसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड ठीक है सब्जी जो आप खा रहे हैं जैसे लौकी लौकी को आप काटोगे ऊपर की तरफ तो आपको ग्रीनिश सी दिखेगी पर अंदर जब आप काटोगे तो व्हाइट कलर की दिखेगी वो व्हाइट रंग किसने दिया प्लास्टिड ने तो कुल मिला के ये बात है कि प्लांट की वजह से उसके पार्ट्स को कलर मिलता है उसे हम प्लास्टिड कहते हैं अब जरा हम बुक से पढ़ते हैं प्लांट सेल्स हैव ऑगनली कॉल्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ये बात मैंने आपको बता दी दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टाइप्स ये अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के प्लास्टिड अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो प्लास्टिड जो कि पेड़ों में पाया जाता है और वो ग्रीन कलर देता है प्लांट को उस प्लास्टिड को क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट वन ठीक है क्लोरोप्लास्ट कोई पूछे व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू द लीफ ऑफ अ प्लांट क्यों देता है दे कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल आप सबको पता है सभी लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन इन कलर की होती हैं विच प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होती हैं और ये क्लोरोफिल ही सोलर रेडिएशन को मतलब जो सूरज की हीट आ रही है ना सोलर रेडिएशन उसे ट्रैप करता है इसीलिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है तभी फोटो हो सकता है क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटो भी नहीं होगा अनियन लीफ प्याज की जो पत्ती होती हैं सेल आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर सो क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन दैम जो भी चीज हरी नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है ओके टू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक साथ दो और अलग तरह के प्लास्टिड हैं एक है आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ये वाला आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी नंबर वन तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं नंबर वन क्लोरोप्लास्ट नंबर टू क्रोमोप्लास्ट नंबर थ्री ल्यूकोप्लास्ट अब ये दोनों क्या कहते हैं क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट एंड द फ्लावर जो आपको अलग अलग रंग के फ्रूट दिखते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी देखो रेड कलर में दिख रही है ब्रिंजल देखो है ना आपको डिफरेंट कलर में दिख रहा है बैंगनी रंग उसका दिख रहा है तो फ्रूट्स में और फ्लावर्स में जो अलग अलग आपको रंग दिखते हैं वो रंग क्रोमोप्लास्ट नामक प्लास्टिड है उससे देखने को मिलते हैं तीसरे तरह का आपका प्लास्टिड है ल्यूको प्लास्ट ल्यूको प्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं कलरलेस प्लास्टिड मतलब ग्रीन कलर भी नहीं देंगे और जितने भी फ्रूट एंड फ्लावर्स में आपको कलर मिलते हैं वो भी नहीं देंगे कौन सा कलर बचा रह गया वाइट कलर मतलब कलरलेस तो सफ़ेद कोई रंग में कंसीडर नहीं किया जाता ये कलरलेस प्लास्टिक होते हैं जिस जो कि कोई भी रंग नहीं देते ठीक है यानी कि वाइट अदर देन ग्रीन एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ द फ्लावर्स एंड द फ्रूट उन्हें छोड़ के जो भी रंग रह गया यानी सफ़ेद रह गया तो जो सफ़ेद रंग देते हैं वो इससे आता है ल्यूकोप्लास्ट से ठीक है दे स्टोर फूड एंड आर फॉर्म्ड इन स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं जैसे अगर हम बात करें लॉकी बोटल ग्वार की बात करें तो देखिए ऊपर ग्रीनिश कलर है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कलर मिला उसके अंदर क्या है फूड स्टोर है जो कि वाइटिश कलर है ना वो हरा रंग है ना पीला है अंदर वाइटिश कलर है वो क्या है वो किसकी वजह से है वो है आपके ल्यूकोप्लास्ट की वजह से है. तो तीन तरह के प्लास्ट हो गए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है क्रोमोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो फ्रूट और फ्लावर्स uh, में कलर देता है जो कि आपको दिखते हैं पिंक ऑरेंज येलो ये सारे कलर वाइट कलर को छोड़ के ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर देता है ये तीनों तरह के प्लास्टिड हो गए ओके okay, स्टूडेंट Homework for today's class is learn the function of vacuole and plastid this is your homework for today's class thank you all